साकी का हिंदी वर्जन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। गुरुजी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सहयोग करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं। एक समय श्री गुरु गोबिंद सिंह जी हिमाचल प्रदेश दे मंडी शहर विच पहुंचे। उत्थों दे राजा सिद्ध सैन सन, जिन्ना ने गुरु जी दा बहुत आदर सत्कार किता। गुरु साहिब उस स्थान ते लगभग 6 महीने रुके। जदो गुरु साहिब उत्थों जान लगे ता राजा सिद्ध सैन ने गुरु जी नु कहा, गुरु साहिब आप इत्थों चले जावोगे ता इत्थों दी हिफाजत कौन करेगा। राजा ने ए प्रश्न उस समय पुछया जदो गुरु साहिब पानी विच तैर रही एक हांडी ते निशाना लगा रहे सन। गुरु साहिब ने हांडी ते गोली चलाई अते ओह गोली हांडी नू तोड़न दी बजाए उस विच एक छेद करदे होए निकल गई। इस पिछों गुरु साहिब ने वचन किता, जिवें बची ए हांडी तिवें बचेगी तेरी ए मंडी। जो मंडी नू लुटनगे आसमानी गोले छुटनगे। इस वचन दा अर्थ सी कि परमात्मा तुहाडी रक्षा करनगे। गुरु जी दे वचन सत होए अते औरंगजेब ने कदी भी मंडी शहर ते हमला ना कीता। मंडी शहर विच अज भी ओ गुरुद्वारा है अते ओ बंदूक संगतां दे दर्शनां दे लई रखी होई है। गुरु साहिब दा पलंग जिस ते उन्हां ने विश्राम कीता सी अते उन्हां दा रबाब भी उत्थे संगतां दे दर्शनां दे लई रख्या होया है। गुरु साहिब जदों उत्थे गए सन ता एक चित्रकार ने उन्हां दा एक चित्र बनाया सी जो अज भी राज परिवार दे लोकां दे कोल है अते उस चित्र दी एक कापी गुरु जी दे हस्ताक्षर दे नाल संगतां दे दर्शनां दे लई रखी गई है। जद भी आप हिमाचल प्रदेश मंडी जावो इस इतिहासिक द्वारे दे दर्शन करना ना भूलना जी। जिस स्थान ते श्री गुरु नानक देव जी ने जैन मुनिया नू जीवन अते मौत दा चक्कर समझाया सी, उन्हां नू ए दस्या कि मुंह ते पट्टी बनन नाल जां कोई होर उपा करन नाल तुसी उस जीव जां कीट पतंगे दी मौत नू नहीं रोक सकदे जिस दी मौत तय है। उस पवित्र स्थान ते गुरुद्वारा साहिब कोलियत है। इस गुरुद्वारे नू गुरुद्वारा पहली पातशाही दे नाम नाल भी जानिया जांदा है। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 12 ਹਕਾਇਤ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੋ ਤਾਂ ਨਿਡਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੇਬਾਕੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।